तीन महीने 23 दिनों के बाद पूजा कुमारी की हुई अंत्येष्टि। दोनों पक्षों की आपसी सहमति के बाद लाश को कब्र से निकाला गया। यह मामला है बड़का गांव के नापो खुर्द का। पुलिस के मुताबिक नवविवाहिता पूजा कुमारी की हत्या उसके पति शशि कुमार ने 27 सितंबर 2022 को गोली मारकर कर दी थी, जिसके बाद पूजा के आक्रोशित परिजनों ने उसके शव को शशि कुमार के घर में ही दफना दिया। काफी प्रयासों के बाद भी परिजन शव को वहां से निकालने के लिए तैयार नहीं हुए। शनिवार को ग्रामीणों और दोनों पक्षों के बीच हुई सहमति के बाद शव को बाहर निकाला गया, जिसके बाद हिंदू रीति रिवाज के अनुसार से नापो खुर्द शमशान घाट पर पूजा का अंतिम संस्कार किया गया। खबरें हजारीबाग के लिए बड़का गांव संवाददाता राजेश कुमार की रिपोर्ट। नींद नहीं आएगा।